सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और साथ ही में बैंड थ्योरी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अराइज होने का कारण क्या है? अब देखिए, जब भी हम किसी सॉलिड को कंसिडर करते हैं, हमें पता है उस सॉलिड में है एटम्स, और एटम्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो रीज़न है कि क्यों सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अराइज होती हैं। सो व्हाट वी कैन से कि इनका जो ओरिजिनेट होने का कारण है वो क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये अराइज क्यों होता है? तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मूवमेंट्स रहते हैं। दो तरह के मूवमेंट्स हैं क्या? एक कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, और दूसरा उसका मोशन क्या है कि वो अपनी ही एक्सिस पे स्पिन भी करता है। वो अपनी एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा है, स्पिन करते करते वो क्या कर रहा है? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में भी रिवॉल्व कर रहा है। तो दो मोमेंट हो गए ना, एक उसका अपनी एक्सिस पे और दूसरा अराउंड द न्यूक्लियस। और यही जो दो मोमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड स्पीशी है, राइट? चार्ज है उस पर नेगेटिव। अब इसी कारण अब क्या है, वो अपनी एक्सिस पे भी मूव कर रहा है, अपने ही एक्सिस पे भी, और वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में भी। और यही दो कारण हैं इस मैग्नेटिक मोमेंट के अराइज होने के। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हर एक इलेक्ट्रॉन है, ईच इलेक्ट्रॉन, हम उसे मान सकते हैं कि वो क्या है? एक छोटा सा मैग्नेट। वी कैन रिगार्ड इट एज अ स्मॉल मैग्नेट। अब ये एक ऐसा मैग्नेट है जिसके पास परमानेंट ऑर्बिटल मोशन भी है और इसके पास परमानेंट स्पिन भी है। मींस देखिए, अब वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो हमेशा मूव करता रहेगा। मींस उसका ऑर्बिटल मोशन परमानेंट है, वो अपनी ही एक्सिस पे स्पिन भी करता रहेगा, मतलब जो उसका स्पिन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो भी परमानेंट है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? बेसिकली इसे हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ, और इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट एन एन प्लस टू। रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे एक्सप्रेस किया जाता है बोहर मैग्नेटन में। अब ये एन क्या है? एन है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मींस अब देखिए, अगर हम यहाँ पे कॉपर टू पॉजिटिव का केस कंसिडर करें, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास आर्गन 3d9, मतलब इसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक, बाकी तो पेयर्ड है ना, अनपेयर्ड है एक। तो n की वैल्यू भी क्या हो गई? 1। जब इस n की वैल्यू को हम फिल करेंगे, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट। और याद रखिए, हमेशा इसे किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा? बोहर मैग्नेट में। अब देखिए, हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्मॉल मैग्नेट है, चाहे स्मॉल बट मैग्नेट तो है। अगर मैग्नेट है तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी। तो क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। जब इस तरह के सब्सटेंसेस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए, जब सब्सटेंसेस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए, उस टाइम पे इनके बिहेवियर में कुछ चेंज देखा जाता है। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का क्या मतलब है? सिंपल, यू हैव टू टेक द मैग्नेट्स, एक साइड पे होना चाहिए नॉर्थ पोल, दूसरे साइड पे होना चाहिए साउथ पोल। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, राइट? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, बाहर से जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं।
और इसी तरह से हम क्या करते हैं, इन सब्सटेंसेस को उनके बिहेवियर के बेसिस पे 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरीज के साथ आप फैमिलियर होंगे और 3 है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे जो कि आप जिनके बारे में अभी जानेंगे। 3 एक्स्ट्रा हमारे पास सब्सटेंसेस रहते हैं। तो पहला क्या है, डायमैग्नेटिक। दूसरी तरह के सब्सटेंसेस हैं पैरामैग्नेटिक। देन वी हैव फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म, राइट। देन यहाँ पे देखिए जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनमें रहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन या मैग्नेटिक मोमेंट के कारण क्या अराइज होता है, मैग्नेटिक करैक्टर। देखिए यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है दैट जब कंडीशंस नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशंस मतलब कोई भी एक्सटर्नल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। नॉर्मल कंडीशंस में क्या रहता है कि ये जो स्पिन है ये बहुत ही रैंडम रहते हैं, इनकी जो ओरिएंटेशन है बहुत ही रैंडम है। रैंडम ओरिएंटेशन होने के कारण ये एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल आउट करते हैं, कैंसल आउट है, कैंसल आउट कर दिए एक दूसरे के इम्पैक्ट को इन्होंने, तो इस टाइम पे ये किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म शो नहीं करते। लेकिन व्हेन वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे ये जो स्पिन है ये अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। अब इनकी पर्टिकुलर अलाइनमेंट की वजह से आता है मैग्नेटिज्म, लेकिन वो मैग्नेटिज्म कैसा है, टेम्प्ररी। टेम्प्ररी मैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि जितना टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे हम लोग, जितना टाइम तक ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उतने टाइम तक मैग्नेटिज्म रहेगा। जैसे ही इस फील्ड को रिमूव किया जाएगा उस टाइम पे जो मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आप याद रखिए कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उतने टाइम तक ही मैग्नेटिज्म शो करते हैं जितने टाइम तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए। जैसे ही उसे रिमूव किया जाएगा वापस से कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी एंड दे विल लूज देयर मैग्नेटिज्म। और यहाँ पे एग्जांपल्स आप याद रखिए, जैसे कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और उनके आयंस जो हैं, जैसे कि हमारे पास Cu2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है, ये हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसके बाद एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है TiO की, राइट। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देन इफ वी टॉक अबाउट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अभी आप कंपेयर कीजिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के साथ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव सर्टेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव ऑल द पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनका मैग्नेटिक करैक्टर है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। देखिए फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, म्यू इज इक्वल्स टू एन, एन प्लस टू स्क्वायर रूट, और एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। अब ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके पास तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, तो इसलिए क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मैग्नेटिक मोमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट हैज़ नो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरह से अगर आपको डिफरेंसेस स्पॉट करने के लिए कहा जाए बिटवीन द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यू कैन इजीली स्पॉट, राइट। अब एग्जांपल्स देखिए, डायमैग्नेटिक की एग्जांपल में हमारे पास है NaCl, देन वी हैव V2O5, देन वी हैव बेंजीन एंड देन वी हैव TiO2। अब देखिए TiO2 है यहाँ,
TiO2 क्या है? डायमैग्नेटिक, जबकि TiO क्या है हमारे पास? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है एंड इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दोनों ही एग्जाम्पल्स, आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। नाउ वी शैल डिस्कस फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब देखिए, इन सब्सटेंसेस को समझने से पहले एक कॉमन टर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज मैग्नेटिक डोमेन। तो क्या है ये मैग्नेटिक डोमेन? इट इज़ अ रीजन विद इन अ मैग्नेटिक मटीरियल इन विच द मैग्नेटाइजेशन इज इन अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन, विच मीन्स दैट इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइंड विद वन अनदर एंड दे पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। तो देखिए, जो डोमेन है वो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही एक ऐसा रीजन है जिसमें ये जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ये एक जो पर्टिकुलर रीजन बन गया, इसे हम क्या कहते हैं? डोमेन। अगर हमें डोमेन के बारे में पता है, देन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या रहता है? जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हैं, दे आर ऑल अलाइंड इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट होने के कारण ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और इस कारण से इनमें रहता है परमानेंट मैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेटिज्म मीन्स कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे रिमूव भी कर लिया जाए, तभी भी इनमें जो मैग्नेटिज्म है वो एज सच रहेगा, राइट? देन वी हैव एंटी फेरो। एंटी फेरो में जो डोमेन की अलाइनमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है, लाइक इफ इट इज इन द वन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन द सेकंड विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दे म्यूचुअली विल कैंसिल आउट वन अनदर। इसी तरह से जितने भी डोमेन्स हैं सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो इस तरह से इसमें कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रहता। सो देयर इज जीरो, और वी कैन से जीरो डाइपोल अलाइनमेंट। किसके कारण? ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन्स। इस तरह से इसका इम्पैक्ट आता है मैग्नेटिक नेचर पे, तो ये मैग्नेटिक नहीं रहते। देन इफ वी टॉक अबाउट फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक में जो डोमेन्स हैं वो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में अलाइंड हैं, लेकिन इनका जो नंबर है, जो अलाइनमेंट है, दीज आर अनइक्वल इन नंबर। अब देखिए, जैसे यहाँ है 1, 2, 3 एंड 4, फोर डोमेन्स की अलाइनमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि टू डोमेन्स ऐसी हैं जिनकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। अब इस तरह से कुछ जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, बट स्टिल वी हैव सम नेट इम्पैक्ट और द नेट डायपोल मोमेंट, फिर भी कुछ ना कुछ हमारे पास डायपोल बचेगा ना। तो इस तरह से ये जो फेरी मैग्नेटिक है, इसमें सभी डोमेन्स का जो इफेक्ट है वो कैंसिल नहीं होता, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट फिर भी बच जाता है, राइट? तो ये है यहाँ पे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो यही यहाँ पे आप हमेशा डिफरेंसेस याद रखेंगे। अगर डोमेन्स के अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में है, राइट, देन इट विल बी कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक। अगर जितनी अलाइनमेंट अपवर्ड है उतनी ही डाउनवर्ड भी है, मतलब वो सभी एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल आउट कर रहे हैं, अगर ऐसी डोमेन्स ऑब्जर्व की जाती हैं, तो वो एग्जांपल किसकी बनती है? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। देन इफ यू टॉक अबाउट फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसमें डोमेन्स अलाइंड है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, लेकिन वो अनइक्वल नंबर में है, कुछ अपवर्ड है, इफ लाइक इन दिस केस 4 अपवर्ड है, 2 डाउनवर्ड है, तो सभी के सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, नेट रिजल्टेंट यहाँ पे फिर भी कुछ बचता है। तो इस तरह से हम डोमेन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। अब देखिए, यहाँ हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट क्या है? एट फर्स्ट, इन तीनों ही टाइप्स की हमें एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। जैसे फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक में हमारे पास एग्जांपल्स रहती हैं Fe,
निकल, कोबाल्ट, CrO2 मींस देखिए ये इस तरह के कुछ सब्सटेंसेस हैं, कुछ सॉलिड्स हैं हमारे पास जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड पे, और इसलिए क्या शो करते हैं, परमानेंट मैग्नेटिज्म, क्योंकि इनकी जो डोमेन्स हैं ये डोमेन्स सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइंट हैं। देन इफ यू से एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्योंकि डोमेन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, इनका नेट रिजल्टेंट जीरो है, सो दे फेल टू शो मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, MnO, MnO2, Mn2O, FeO, Fe2O3 एंड सो ऑन, इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी। अब फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है, अनइक्वल अलाइनमेंट है यहाँ पे डोमेन्स की, इस कारण से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रहता है और ये कुछ एक्सटेंट तक मैग्नेटिज्म भी शो करता है। और एग्जांपल में हमारे पास क्या है, Fe3O4। देखिए यहाँ पे मैंने कितना, देखिए आपको एक एग्जांपल यहाँ मेंशन की है Fe3O4, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स में, बहुत बार ये चीज़ पूछी गई है कि फेरी मैग्नेटिक के आप एग्जाम्पल दीजिए, दिस इज़ Fe3O4, ये हमेशा याद रखिए। अब यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है, देखिए तीन तरह के अभी हमने सब्सटेंसेस किए, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी, इन तीनों को ही कन्वर्ट किया जा सकता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, दे ऑल कुड बी कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कब, जब इन्हें हीट किया जाए एक सर्टेन टेम्परेचर तक, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, दैट कि अगर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, तो किस टेम्परेचर पे ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे, दैट इज क्यूरीज टेम्परेचर। तो क्या होता है ऐसा, तो हो सकता है कि जब ये हीट किया जा रहा है, हीट करने पे ये जो डोमेन्स है वापस से अपने आप को अलाइन करें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये किस तरह का करैक्टर शो करेंगे, फिर पैरामैग्नेटिक करैक्टर, राइट। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से आप याद रखिए, देखिए एग्जांपल्स आप अच्छे से याद रखिए, यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ये भी याद रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, यहाँ पे हमने हमारा कंप्लीट किया है मैग्नेटिक करैक्टर ऑफ सॉलिड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक है ये, अच्छे से पढ़िए। सो स्टार्ट स्टडिंग।